गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पर हमले का अलर्ट है। तो गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आतंकी हमले की आईबी को मिली जानकारी, तो पत्रकार बनकर हो सकता है हमला। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, और जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई उसके बाद जो मंदिर की सुरक्षा है वो यहां पर बढ़ा दी गई है। तो खुफिया एजेंसी आईबी को अहम सुराग मिले हैं। खुफिया एजेंसी आईबी को अहम सुराग के बाद मंदिर की सुरक्षा गोरखनाथ मंदिर की बढ़ा दी गई है। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले की फिराक में है आतंकी, और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकार के भेष में यह हमला, आतंकी हमला किया जा सकता है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा जो है वो मंदिर की बढ़ाई गई है। तो आशंका को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा बढ़ गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर जो है पुलिस प्रशासन बनाए हुए है, और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो की जा रही है। संवाददाता हरेंद्र दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, अब इस अलर्ट के बाद जो है पूरी तरह से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, फिलहाल इस अलर्ट को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, किस तरह का असर? देखिए, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि गोरखपुर एडीजी जोन से जब बात हुई है तो एडीजी जोन का कहना है कि हर बार इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शख्सियत हैं, इनके बारे में कई प्रदेशों में चर्चाएं होती हैं, उसको लेकर के हर बार हर जिले हर प्रदेश की आईबी और खुफिया एजेंसी लगी रहती हैं और अपने अपने जिले की इनपुट एक दूसरे से शेयर करती हैं। हरेंद्र, अभी अलर्ट को लेकर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, अलर्ट का क्या असर देखने को मिल रहा है, कितनी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है, अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि? गोरखनाथ मंदिर को जहां तक अलर्ट की बात की जाए तो अलर्ट नेस गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगाया हुआ है। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके बाद ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ गोरखनाथ गेट पर गोरखनाथ का थाना है, जहां पर थाने के सामने भी नई पिकेट लगाई गई है। गोरखनाथ मंदिर में अलग से थाना स्थापित किया गया है। साथ ही साथ मंदिर के चारों तरफ ऊपरी हिस्से में छत के ऊपर भी फोर्स तैनात किए गए हैं, ताकि नीचे आने जाने वालों पर नजर रखी जाए। बिल्कुल, लेकिन अब इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यहां पर बनी हुई है। हरेंद्र, ऐसे में प्रशासन कितनी बड़ी चुनौती मान रहा है इस अलर्ट को? इस अलर्ट को जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए उतनी गंभीरता से गोरखपुर का जिला प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अधिकारी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए हुए हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि जो गोरखनाथ मंदिर का गेट है, जो एंट्री है, लोग दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए वेंटिलेटर लगाया गया है, कि आने जाने की सघन तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ जो बैग है, बैग की भी तलाशी की जा रही है। तो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा की दृष्टिगत किया गया है, और हर व्यक्ति पर प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और हरेंद्र, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीएम योगी पर यह हमला हो सकता है और पत्रकार बनकर यह हमला किया जा सकता है, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से गोरखपुर में 700 के आसपास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, सभी से रूबरू हैं, सभी को नाम से जानते हैं, और सभी को जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो कवरेज करने के लिए कहीं ना उनकी सुरक्षा के लोग रोकते हैं, ना कोई कहीं से रुकावट होती है। तो ऐसे में पत्रकार बनकर के जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है, उन पर हमला करने की धमकी मिली है, तो इसको लेकर के काफी गोरखपुर का जिला प्रशासन चौंका। चलिए हरेंद्र, आप इस अलर्ट को लेकर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।